हेलो फ्रेंड्स, हाईवे इंजीनियरिंग चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम मोर्थ। अब आपको ये जानना है कि मोर्थ है क्या। तो मोर्थ का जो मीन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मोर्थ की जो है स्पेल है, एम मीन्स मिनिस्ट्री, ओ मतलब ऑफ, आर मीन्स रोड, टी मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड एच मीन्स एंड हाईवे। तो आज हम ये जानेंगे कि मोर्थ है क्या। तो पढ़ते हैं, मोर्थ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो मोर्थ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इट इज फॉर्म विद द टास्क टू फॉर्मुलेट इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट रिसर्च विद अ व्यू टू इंक्रीज द मोबिलिटी एंड इफिशेंसी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कंट्री। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हमें ये तो पता चल गया कि जो मोर्थ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट ये है क्या, इसके बारे में और जानते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड, यानी कि इसका जो गठन हुआ विद द टास्क, कुछ कार्य करने के लिए हुआ, टू फॉर्मुलेट द कंसल्टेशन, यानी कि किसी संकलन कार्य को करने के लिए हुआ। अब वो कार्य क्या थे वो जानने हैं हमको। तो विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये किसके साथ कार्य करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ ही कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या था? पॉलिसीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि पॉलिसीज क्या है रोड ट्रांसपोर्ट की, ये बताना। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज के बारे में बताना। एंड ट्रांसपोर्ट रिसर्च विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और ट्रांसपोर्ट रिसर्च करना ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है और ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये हमारे मोर्थ की कार्य थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने मोर्थ है, मोर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करा, इट हैज टू बींग्स, तो हमने उसे नाम दिया बींग्स। पहला रोड बींग्स एंड सेकेंड ट्रांसपोर्ट बींग्स। अब हमें यह जानना है कि रोड बींग्स क्या है और ट्रांसपोर्ट बींग्स क्या है। रोड बींग्स डील्स विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री। यानी कि जो हमारा रोड बींग्स है वो किसके साथ डील करता है? वो करता है डील डेवलपमेंट, विकास के साथ, मेंटेनेंस, सुधार के साथ। परंतु वो किसका विकास और किसका सुधार करेगा? वो करेगा नेशनल हाईवे का, जो कि हमारी कंट्री के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट बींग्स। ट्रांसपोर्ट बींग्स क्या है? ट्रांसपोर्ट बींग्स डील्स विथ मैटर रिलेटिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट बींग्स डील करता है मैटर, यानी कि मामलों से। किन मामलों से? जो मामले जुड़े हुए हैं रोड ट्रांसपोर्ट से। अब हम करते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोड बींग्स। यानी कि हमें अंतर पता चल गया कि रोड बींग्स क्या है और ट्रांसपोर्ट बींग्स क्या है। अब हम इसे जानते हैं कि रोड बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। तो प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर नेशनल हाईवेज जो है उनको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी, उनका विकास करने की जिम्मेदारी और उनको प्लान करने की जिम्मेदारी किसकी है? रोड बींग्स की है। नेक्स्ट, एक्सटेंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि हम टेक्निकल सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। फॉर किस लिए? द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड, ताकि हम जो स्टेट्स की रोड है उनका विकास कर सकें,
एंड और द रोड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, और उन रोड को जोड़ सकें जो स्टेट तक आना चाहती हैं, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेस्ट हो। ये काम है रोडविंग्स का। नेक्स्ट, डेवलप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर जो रोड्स हैं और ब्रिज है इनके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का विकास करना। सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जरूरत पड़ने पर टेक्निकल नॉलेज को देना या फिर टेक्निकल नॉलेज को स्टोर करना, किस तरह की, रोड से संबंधित और ब्रिज से संबंधित। तो ये काम किसका होता है? रोड बिंग्स का होता है। अब हम जानते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट बिंग्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट बिंग्स है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेकिंग लॉज ऑफ मोटर व्हीकल, यानी जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए नियम बनाना। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट बिंग्स है वो किसके तहत कार्य करता है, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950, यानी कि इन दो के तहत हमारा जो है ट्रांसपोर्ट विंग्स काम करता है। टैक्सेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स पे क्या टैक्स लगने हैं इसके बारे में भी ट्रांसपोर्ट विंग्स बताता है। कंपलसरी इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स, जो हमारी मोटर व्हीकल्स है उसके लिए कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, ये भी कौन देखता है, ट्रांसपोर्ट विंग्स देखती है। डेवलप रोड सेफली स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन द रोड सेफ्टी, यानी कि रोड सेफ्टी के लिए और डेवलप के लिए, यानी कि रोड सेफ्टी के लिए और रोड के विकास के लिए जो कार्य करती है वो कौन करती है, ट्रांसपोर्ट बिंग्स करती है, ठीक है। और उसके लिए क्या बनाती है, वो पॉलिसीज बनाती है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एनुअल रोड सेफ्टी प्लान, और उन्हें जब एनुअल रोड सेफ्टी प्लान बनाना हो तो वो किसकी मदद से बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट बिंग्स की वजह से मदद से बनाते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग रोड एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड टेक स्टेप फॉर डेवलपिंग अ रोड सेफ्टी कल्चर, यानी कि जब मैं मेंटेनिंग करनी हो रोड और एक्सीडेंट की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कम करना हो तो हमें अपने कल्चर को इस तरीके से डेवलप करना होता है कि उसके अंदर जो रोड्स हैं वो इजीली जो है उन पे जो हमारे व्हीकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सके, यानी कि जो हमारा कल्चर है उसके अंदर हम डेवलप करेंगे रोड को इस तरीके से, इस कल्चर को देखते हुए कि जो एक्सीडेंट है वो कम से कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।